आज मैं आप लोगों के साथ दो प्रोटीन रिच पाउडर की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि जो डब्बे में मिल रहा है वे प्रोटीन उसकी रेसिपी है, पर हाँ ये बहुत ही प्रोटीन रिच पाउडर बनेंगे। और जो लोग वेट लॉस जर्नी फॉलो कर रहे हैं या इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो पाउडर हम आज बना रहे हैं दो डिफरेंट तरीके का, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये मेरा पर्सनली फेवरेट है क्योंकि मैं रोज़ आफ्टर वर्कआउट इसमें से ही स्मूदी बना के पीती हूँ। तो शुरू करते हैं बनाना दो डिफरेंट प्रोटीन रिच पाउडर। सो एक पैन मैंने पहले गरम करने के लिए रख दिया है और इसमें जितने भी मैं ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स ले रही हूँ, ये सब सबसे पहले तो मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। ज़रा सा भी ऑयल या घी हम ऐड नहीं करेंगे, सिंपल ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये 100 ग्राम पीनट्स है, ये कच्ची वाली है, मैं पैन में ये ले लेती हूँ। और ये दालिये की दाल है, इसकी जगह पे आप वो चना भी ले सकते हैं बिना छिलके का। एक्चुअली इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। आपने सुना है कि वो टूवर्ड्स द बंगाल साइड या बिहार साइड वो सत्तू बहुत खाते हैं, वो वेरी हाई ऑन प्रोटीन होता है, ये उसमें से ही बनता है सत्तू, तो ये ज़रूर ऐड करें। और इसको मैं 5 मिनट ड्राई रोस्ट कर देती हूँ। अब ये देखिए, ये पीनट्स के छिलके आसानी से निकल रहे हैं, बस हमें इतना ही ड्राई रोस्ट करना है, एकदम ब्राउन कलर नहीं आने देना है। अब मैं ये पैन में 100 ग्राम वॉलनट्स एंड 100 ग्राम आलमंड ऐड कर रही हूँ। ये जो हम प्रोटीन रिच पाउडर बना रहे हैं उसमें आप ड्राई फ्रूट ज़रूर ऐड कीजिएगा। आपको सिर्फ बादाम चाहिए या सिर्फ वॉलनट चाहिए तो वो चेंज आप कर सकते हैं, पर ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छा सोर्स होता है गुड फैट का, और वेट लॉस जर्नी में वो हमेशा हेल्प करते हैं, आपको लंबे टाइम तक फुल रखने में हेल्प करते हैं, तो आपको भूख भी कम लगती है। और डाइटिशियन हमेशा रेकमेंड करते हैं कि हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स आप ज़रूर ऐड करें आपके डाइट में। ये नट्स भी रोस्ट हो चुके हैं, मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। और अब ये वाले पैन में वापस से मैं कुछ सीड्स को रोस्ट कर दूंगी। ये टाइम पे मैं गैस को एकदम ही स्लो कर देती हूँ। और मेरे पास यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून ये फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, और मेलन सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स है। चिया सीड्स जो होते हैं वो वेट लॉस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और ये जो फ्लैक्सीड है इसमें ओमेगा 3 भरपूर होता है। ये सारे सीड्स मैं ले लेती हूँ और बस थोड़ा ही 2 मिनट ही हम रोस्ट करेंगे। ये देखिए, ये ऐसे पॉप होना शुरू हो जाएंगे, बस वही टाइम पे हम निकाल लेंगे। अब ये जो सारे नट्स एंड सीड्स हमने रोस्ट किए थे ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, और अब जाके मैं मिक्सी में इनको पीसूंगी। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब ये थोड़े से भी गर्म हो तब मिक्सी में नहीं पीसेगा, वरना वो पाउडर की जगह पे ऑयल रिलीज करेंगे और पेस्ट बन जाएगा। और अब हमें इसको पल्स पे पीसना है कि थोड़ी देर ऑन करके फिर ऑफ करना है, एक ही बार में घुमाना नहीं है। ये देखिए, बहुत अच्छा फाइन पाउडर बनके रेडी है, मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। ये मेरे पास 1/4 कप ओट्स है, आप कोई भी ओट्स ले सकते हैं, मैंने ये जो इंस्टेंट वाले ओट्स आते हैं वो लिया है। इसको भी मैं मिक्सर जार में लेके इसका पाउडर बना दूंगी। और अब ये ओट्स का जो पाउडर बन गया है ये भी मैं ये मिक्सचर में मिला देती हूँ। बेसिकली ओट्स ये प्रोटीन पाउडर को एक थिकनेस देगा, जब भी आप अपनी स्मूदी बनाना चाहते हो और ये एक चम्मच पाउडर वो स्मूदी में ऐड कर देते हो तो वो स्मूदी को एक अच्छी खासी थिकनेस देता है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ये मेरे पास अगेन 1/4 कप मिल्क पाउडर है, ये टोटली अनस्वीटन मिल्क पाउडर है। इसकी जगह पे अगर आप चाहो और वीगन बनाना चाहो तो सोया मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, मैंने ये नॉर्मल वाला ही लिया है। ये भी जब हम स्मूदी बनाते हैं और मेरे जैसे जो स्मूदी को पानी में पीना प्रिफर करते हैं तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर हेल्प करता है स्मूदी को एक अच्छा सा टेस्ट एंड टेक्सचर देने में। अब ये बेसिक वाला प्रोटीन रिच पाउडर तो रेडी हो चुका है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बच्चों को कुछ नया टेस्ट कराना है, ये वाला पाउडर इंट्रोड्यूस करना है, स्मूदी बना के पिलानी है, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि ये वाला हम नहीं पियेंगे। तो हम दूसरा जो फ्लेवर बना रहे हैं वो चॉकलेट फ्लेवर बना रहे हैं,
तो ये जो पाउडर बेसिक वाला है उसमें से मैं आधा निकाल लेती हूँ। अब ये मेरे पास अनस्वीटन कोको पाउडर है, ये 1 टेबलस्पून लिया है मैंने। मैं वो ये ऐड कर देती हूँ पाउडर के अंदर। अगर आपको यहाँ पे काकाओ पाउडर मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है, पर वो जनरली इजीली अवेलेबल होता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये अनस्वीटन कोको पाउडर लिया है, और कोको पाउडर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो लीजिए, दोनों ही प्रोटीन पाउडर रेडी है, चॉकलेट वाला एंड बेसिक वाला। इसको मैं एक बोल में निकाल देती हूँ, और मैं इसको स्टोर करने के लिए आपको एक टिप देना चाहूँगी कि इसको आप 1 या 2 दिन के लिए ही बना रहे हैं तो ज़रूर आप किचन में नॉर्मल से शेल्फ में इसको स्टोर कर सकते हैं, पर जैसे मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाया है तो आप इसको हमेशा प्लीज़ फ्रिज में ही स्टोर कीजिएगा, क्योंकि सीड्स एंड नट्स में बहुत सारा ऑयल होता है और वो स्पॉइल हो जाता है। तो ये फ्रिज में ही अच्छा रहेगा, और फ्रिज में ट्रस्ट मी ये 6 महीने 8 महीने एकदम ही फ्रेश रहता है। तो ये प्रोटीन रिच पाउडर तो तैयार है, अब इसमें से मैं स्मूदी कैसे बनाती हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक मिक्सचर जार में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मैं स्मूदी हमेशा पानी में ही प्रिफर करती हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह पे मिल्क का भी, सोया मिल्क का, आलमंड मिल्क का, किसी का भी यूज़ कर सकते हो, योगर्ट भी यूज़ कर सकते हो। और अब मैं इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून जितने ओट्स ऐड करूँगी। बेसिकली हमने पाउडर में तो ओट्स ऐड किया ही है, पर पोस्ट वर्कआउट मुझे थोड़ी सी थिक स्मूदी चाहिए होती है, तो ये मेरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं 1 टेबल स्पून ओट्स ऐड करूँगी, और जाएंगे कुछ फ्रेश फ्रूट्स। मैं आज स्ट्रॉबेरी ले रही हूँ, आप बनाना भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। और स्वीटनेस के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 2 डेट्स है, जिसको पानी में हल्का सा भिगा के रखा हुआ है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और अब ये जो हमने प्रोटीन रिच पाउडर बनाया था उसका ये 1 बड़ा चम्मच भर के ये पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और लास्ट में जाएगा थोड़ा सा आइस। अब मैं घुमा लेती हूँ। अब ये स्मूदी तो रेडी है, मैं एक जार में निकाल लेती हूँ। अब यही जार में मैं चॉकलेट वाली स्मूदी बना रही हूँ, और ये वाली स्मूदी मैं बनाना से बनाऊंगी। तो सबसे पहले एक बनाना ले लेती हूँ मैं जार में, और मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, 1/4 कप जितना। जब भी स्मूदी आप फ्रूट्स एंड ओट्स के साथ बनाएं तो पहले थोड़ा सा पानी डाल के चर्न कर दीजिए। अगर पूरा 1 ग्लास भर के पानी डाल देंगे ना तो वो चर्न नहीं हो पाएगा अच्छे से। और अब जाएगा 1 टेबल स्पून जितना ओट्स, 2 डेट्स, और ये जो हमने प्रोटीन पाउडर बनाया था वो मैं 1.5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, और एक बार घुमा लेते हैं। और अब ये चॉकलेट वाली स्मूदी भी मैं एक जार में निकाल देती हूँ। तो लीजिए, तैयार है 2 प्रोटीन रिच पाउडर और उसमें से बनी हुई अमेजिंगली डिलीशियस स्मूदी।